अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम शेफ से सीखेंगे बटर चिकन बनाना, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। स्पून जो था जिंजर गार्लिक पेस्ट था। और सर ये क्रीम कितनी ले रहे हैं तकरीबन? क्रीम 2.5 हो गई है एटलीस्ट। एक्चुअली 1 ठीक है, 2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सर, 1 टीस्पून वाइट पेपर, नीचे 1.5 चिकन पाउडर 1/2 1 टीस्पून ठीक है, इसको आपने 2 टेबल स्पून भर के टोमेटो पेस्ट आ गया ठीक है। बटर चिकन की ग्रेवी तैयार करेंगे। इसके लिए आपने 4 बड़े टमाटर और 2 प्याज और थोड़ा सा कैशू नट्स, इन तीनों चीज़ों को एक बड़े पतीले में रखकर थोड़ा सा पकाना है ठीक है, अच्छे से वो बॉईल हो जाए जब तक के। और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं कि चिकन को कट लगाकर इस मैरिनेशन में जो अभी हमने रेडी किया था उसमें मैरिनेट करेंगे, और 30 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे जब तक कि हम दूसरी प्रिपरेशन इसकी करेंगे, यानी कि जब तक कि हमारा वो जो मिक्सचर है टमाटर और प्याज उसका वो तैयार होगा, और फिर हम इसका मसाला तैयार करेंगे और फिर हम इसको तैयार करेंगे। अच्छा, कट लगाकर चिकन को मैरिनेट करने से एक तो चिकन के अंदर जो है ना फ्लेवर बहुत अच्छा एब्जॉर्ब हो जाता है, और आप मैरिनेशन टाइम जितना ज़्यादा देंगे आपकी चिकन उतनी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। यानी कि अगर आप 1-2 घंटे पहले से इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। हमारी अनियन टमाटोज भी बॉयल होकर रेडी हो चुकी हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसका वाटर सेपरेट करके इसे ड्रेन करके इसका पेस्ट बनाकर रख लेंगे ठीक है। बट इसका पानी भी हम यूज़ करेंगे उसकी जब ग्रेवी तैयार करेंगे उसमें, तो आपने वाटर को ड्रेन नहीं करना, उसको भी रखना है और पेस्ट तैयार कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत तेज़ ग्रिल पैन में चिकन को ग्रिल करेंगे। दूसरी तरफ अब इसका मसाला रेडी कर रहे हैं। सबसे पहले क्या डालेंगे? ऑयल में बटर कितना होगा? आधा डालेंगे बटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट कितना है, जिंजर गार्लिक में डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट ही टिन वाला होता है, इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं होता, ये बहुत थिक होता है, तो इसको थोड़ा सा आपको जो है भुनते हुए पेस्ट बनाने के लिए पानी भी डालना पड़ता है। पानी डालकर इसको थोड़ा सा भुनेंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा कर ही तेल डालता है, एक साथ सारा तेल नहीं डालते, थोड़ा थोड़ा तेल डालकर भुनने से अच्छी भुनाई होती है। थोड़ा थोड़ा पानी डालें और तेल डालें। अच्छा, उसके बाद सर ने इसमें बटर डाला है, तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना है होगा इसमें बटर। अब हम इसमें वो प्यूरी ऐड करेंगे जो हमने टमाटर्स अनियन और कैशू नट्स की तैयार की थी ठीक है, तो वो प्यूरी हमने इसमें ऐड कर दी। अगर आपको प्यूरी ज़्यादा लगे तो आप पूरी वो प्यूरी ऐड मत कीजिएगा, अपने हिसाब से कीजिएगा। सर ने थोड़ी सी प्यूरी बचा ली थी तो आप लोग अपने हिसाब से, वैसे तो थोड़ी ग्रेवी अगर ज़्यादा होती है तो खाने में अच्छा होता है, तो आप कर सकते हैं थोड़ी सी ग्रेवी बढ़ा सकते हैं, यानी कि जितनी थी वो पूरी यूज़ कर सकते हैं। सर ने यहाँ पर पूरी यूज़ नहीं की थी। अब तेज़ आँच पर इसको थोड़ा थोड़ा भूनेंगे ताकि इसके अंदर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे जो कि इसको फ्लेवर देंगे। जीरा पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कोरिएंडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 नमक कोरियन टी। मसाले को अच्छे से भुनना है पानी डालकर। अच्छा, ये आप वो पानी यूज़ कर सकते हैं, मुझे टमाटर और अनियन का वाटर था वो भी यूज़ कर सकते हैं, और गर्म पानी भी इसके अलावा यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा सर, हमने इसमें 2 टेबल स्पून और बटर ऐड किया है और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि मसाले को अच्छे से भुन सकें। बेसिकली इसका मसाला बहुत अच्छा सा भुना हुआ होना चाहिए, इतना अच्छा कि वेल कुक्ड हो और फिर कुक होने के बाद सारा बटर और तेल ऊपर आ जाए। ठीक है, मसाला डन हो चुका है। ग्रिल चिकन के सर पीसेस कर रहे हैं। आपने पीस जो है 2 से 2.5 इंच का रखना है, बहुत ज़्यादा छोटा पीस भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं पीस रखना, दरमियाना साइज़ का पीस रखना है। आप चेस्ट पीस ले रहे हैं तो उसके आप 4 पीसेस कर लें एक के ना। ठीक है, फिर दोबारा से फ्लेम को ऑन किया सर ने, यहाँ पे हल्की आंच पे ही मसाले को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा और आपने जल्दी से ग्रिल को कट करके उस मसाले में ऐड कर देना है जो अभी हमने रेडी किया था। उसके बाद इसमें 3 टेबल स्पून जो है क्रीम ऐड किया है और क्रीम ऐड करने के बाद भी इसको मज़ीद पकाएंगे। देखिए बटर चिकन में उसकी जो ग्रेवी है उसमें बड़ा अच्छा एक रिच फ्लेवर क्रीम का होता है, बट मसाले में कहीं भी वाइटनेस नहीं होती। बेसिकली उसकी वजह यह है कि उसको बहुत अच्छे से भुना जाता है, तो जितना भी क्रीम होता है वो मसाले के अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, ऊपर ग्रेवी में क्रीम नहीं फील होती। तेज़ आंच में जब हम इसमें पानी डालकर इसको भुनेंगे तो सारा तेल जो बटर जो है ऊपर आ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हो गई हमारी। अच्छा, अब इसको प्लेटिंग कर लेंगे। डिश आउट करने के लिए एक बाउल में हम बटर चिकन निकालेंगे, उसके ऊपर जिंजर गार्लिक के स्लाइसेस रखेंगे एंड देन हल्का सा क्रीम और बटर के साथ इसको करेंगे गार्निश, क्योंकि बटर चिकन है तो इसके ऊपर मस्ट आपने बटर रखना है। बटर से ही इसका सारा लुक और टेस्ट आना है। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।